बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब्स पर। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। सीईएल यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट है। डेप्यूटी इंजीनियर ट्रेनिंग ग्रेजुएट इंजीनियर की भर्ती है। यहाँ पे सैलरी जो है 1,50,000 के करीब रहने वाली है। जॉब टाइप परमानेंट भी है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है, एक PSU है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। आपको बारी बारी से दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जो लोग नहीं जानते वो जान जाए, ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम भी ये पे बनाती है। दोस्तों, ज़्यादा जो सीनियर मैनेजर है उसने 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा। असिस्टेंट टेक्निकल जो है यहाँ पे मैनेजर माइक्रोवेव में 2 पोस्ट है। देखिए, यहाँ पे जो है आपका जॉब रिक्वायरमेंट दिया गया है और आप BE/BTECH 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसको भी ज़्यादा वो नहीं करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो 2 साल की मेन जो हमारी वैकेंसी, यहाँ से 4 नंबर पोस्ट पे है। सेल बी रिस्पॉन्सिबल डीलिंग एम्बेडेड सिस्टम PCB डिजाइनिंग। तो आपका BE/BTECH है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपने रखा है, PCB डिजाइन या ME/MTECH कर रखा है, फिर से यहाँ पे आवेदन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, डिजायरेबल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्यूटी इंजीनियर माइक्रोवेव में अगर आपने BE/BTECH इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर आपने MTECH कर रखा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिजाइन डेवलपमेंट माइक्रोवेव कंपोनेंट का आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है MED, ठीक है, इसमें जो है एक पोस्ट है SC के लिए है, और BE/BTECH डिप्लोमा मैकेनिकल जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सॉलिड वर्क्स हो गया, ऑटोकैड की नॉलेज हो, टोलेंस, फिर सिविल में तो सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है SSC के, इसमें जो है देख सकते हैं 2 पोस्ट है, BE/BTECH है कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजिंग सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। डेप्यूटी इंजीनियर ऑन IT कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है आपको कंप्यूटर साइंस BE/BTECH आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है दोस्तों जो है पोस्ट आपकी कंप्यूटर साइंस सिरेमिक के लिए है, मेटलर्जी मटेरियल के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका, उसी कोर्स से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए है, 3 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है फ्रेशर यहाँ पे आवेदन कर सकता है, ऑटोकैड की नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मेटलर्जी साइंस के लिए 4 पोस्ट है, और जो सबसे लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसमें जो है 1 पोस्ट दी गई है, BE/BTECH फ्रेशर पास आउट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो मैंने डेप्यूटी इंजीनियर से बताई है, 40 लेके 41 तक रहेगी, 11 लाख का पैकेज है। कॉन्ट्रैक्ट वालों का जो है लगभग 9.5 लाख के अप्रॉक्स जो है रहेगा, काफ़ी अच्छा है। और जो है मैक्सिमम एज आपके 30 ईयर, OBC 3 साल की छूट, OSC/ST 5 साल की छूट मिलेगी, और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GET जो होंगे 35,000 फर्स्ट ईयर और 40,000 जो है सेकेंड ईयर, 28 साल मैक्सिमम एज। और जो बोला गया है कि एंगेजमेंट जो है 2 साल के लिए होगा, कंप्लीशन करने के बाद आप जो है ईवन ग्रेड में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी अच्छी चीज़ रहेंगी। अप्लाइंग बिफोर कॉन्फिडेंशियल जो है 12 जुलाई से पहले आपका अप्लाई होना, स्पीड पोस्ट आपको करना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको DD बनवाना होगा 500 रुपये का, ध्यान रखेंगे, नॉन रिफंडेबल रहने वाला है यहाँ पर। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पेएबल है गाजियाबाद, ठीक है। और आपका सारा सर्टिफिकेट, जैसे एक्सपीरियंस हो गया, OBC SC ST जो भी हैं, आपके मार्कशीट, आपके DD, आपको सारा अटैच करके आपको भेजना होगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि गाजियाबाद के फेमस में, विथ DD अटैच, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ भी डाउट होगा कमेंट में बताएंगे। देखिए, ये जो HR का पता दिया गया, जनरल मैनेजर HR, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। 12/7/24 से पहले आपका पहुँच जाना चाहिए, ध्यान रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ साफ साफ, कि जो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करे तभी भरिएगा। आप सोचेंगे कि थोड़ा बहुत मैच कर रहा है और भर दे तो आपकी कॉलिंग नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करते नहीं है, जिनका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, और उनका जो है होना ही होना है। तो ध्यान से भरिएगा, पैसे आप अगर बर्बाद नहीं करना चाहते तो फॉलो करिएगा, ये फॉर्म है आप लेके भर के आपको भेजना होगा, ठीक है। अगर आप PSU वर्किंग है तो आपको उसकी प्रायोरिटी जरूर मिलेगी, तो आपको NOC लेटर और वह सब अप्लाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।